बच्चों क्लास 10th का हिंदी का एग्जाम था जिसका प्रश्न पत्र है 311, कोड है 311। आपका एग्जाम कैसा गया? होप अच्छा गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश और गद्यांश को पढ़कर आपको इसके आंसर देने हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। तो किसी भी देश के विकास के लिए क्या आधारभूत आवश्यक है? मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। तो हर देश की अपनी एक मातृभाषा होती है, तो शिक्षा उसी के हिसाब से जो है, अगर उसी मातृभाषा में पढ़ाई जाए तो आसान होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी। सेकेंड है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है? तो अगर हम स्वास्थ्य और चिकित्सा इस गद्यांश के हिसाब से देखा जाए, तो इस जो ये हमने गद्यांश पढ़ा उसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा मातृभाषा में चिकित्सा शिक्षा देने वाले देश। जो अपनी ही भाषा में क्या देते हैं, चिकित्सा शिक्षा देते हैं, वह है देश क्या है, ज्यादा अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट, जो इसका थर्ड है, भारत में क्षेत्रीय भाषाएं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने का क्या कारण है? जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं, यानी हर क्षेत्र की जो अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कम क्यों है? ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा का वर्चस्व है, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है। तो भारत के लोग ज्यादातर या तो हिंदी में बोलना पसंद करते हैं या अंग्रेजी में, और हिंदी और अंग्रेजी सबको समझ भी आती है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं अवधी हो गई या मैथिली हो गई या उत्तरांचली हो गई या हिमाचली भाषा है, उन भाषाओं का प्रभाव कम है, तो उपयुक्त प्रयासों का अभाव है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, कि प्रयास नहीं कहे गए हैं। नेक्स्ट है, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन कौन से तर्क सही हैं? तो मातृभाषा में ये सत्य है कि अगर हमें अपनी ही भाषा में शिक्षा प्राप्त होगी तो आसान होगा। अगर हम, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कई जगहों पे उन्हें इंग्लिश में बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। तो अगर हमें शिक्षा सबको प्रोवाइड करानी है, तो हमारी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन फोर्थ के हिसाब से इसका कथन होगा, मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान समझना सरल होता है। ऑप्शन ए है इसका, ठीक है, समझ आया? तो मातृभाषा में जो शिक्षा है वो समझना आसान होता है। और अगर इसके विकल्पों के हिसाब से देखें, तो इसके विकल्पों के हिसाब से भी इसका आंसर क्या बनेगा, वन, एक सही है। यानी मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान का समझना सरल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। कारण है, शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो कथन क्या है, शिक्षा के माध्यम से बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। यानी आज के समय में क्या हमें शिक्षा में बदलाव करना चाहिए? अगर हम शिक्षा में बदलाव करेंगे तो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा होगा। आज की डेट में देख रहे हैं आप, शिक्षा में बदलाव भी हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की शिक्षा हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो क्या ये बदलाव अच्छे हैं? और कारण पूछा है, शिक्षा के माध्यम से प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो जो शिक्षा में ये चीजें आ रही हैं, क्या ये वाक्य में भविष्य में कुछ क्रांति, कुछ बदलाव ला पाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सही है, कथन सी। ऑप्शन क्या है इसका, सी, कथन सही है। और कारण और कथन की सही व्याख्या है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इनकी व्याख्या भी सही है। बिल्कुल, शिक्षा में बदलाव हो भी रहा है, और होने से ही क्या होगा, देश में कुछ क्रांतिकारी चेंज मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आपने ये पढ़ा है, अब इसके देखिए फटाफट से आप आंसर मिला लीजिए। तो जो पहला है, अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है, यानी अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना। अगर हमारे को कुछ नहीं आता तो हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी अपने अंदर की, ये नहीं कि हमें दूसरों के बारे में कुछ सोचना है, या हमें शारीरिक कमजोरी के बारे में सोचना है, मानसिक, हमें किसके बारे में सोचना है, अपने अंदर की कमजोरी के बारे में, और उससे लड़ना। उससे लड़ने का मतलब है हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। नेक्स्ट है, जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है? जो नत हुआ वह मृत हुआ, ये कवि ने क्यों कहा है? ठीक है, इसका ऑप्शन है डी, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान है। तो कवि का मानना है, अगर किसी व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है,
उसका समाज में कोई उसको पूछता नहीं है, उसे घर में कोई पूछता नहीं है, चाहे उसके पास कितना ही ज्ञान हो, कितना ही धन हो, कुछ भी हो, वो सब होने के बावजूद भी वह व्यक्ति क्या है, एक मृत शरीर के समान है। तो स्वाभिमान अगर नहीं है तो व्यक्ति का जीवन क्या है, एक मृत व्यक्ति के जीवन की तरह है। जैसे मृत व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, मरे हुए व्यक्ति को, बिल्कुल उसी की तरह है वह व्यक्ति कहलाएगा। नेक्स्ट है काव्यांश का संदेश। जो काव्यांश है उसका क्या संदेश है, जो आपने पद पढ़ा है उसमें काव्यांश में क्या संदेश दिया है, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें हार ना मानना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। परिस्थिति आपके पास कैसी भी आए, क्योंकि समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अच्छी और बुरी आती रहती हैं, परिस्थिति कैसी भी आए मगर आपको परिस्थिति में लगातार प्रयास करते रहना है जब तक कि आप जीत ना जाए। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये संदेश ये, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें हार ना मानना, कवि ने, ठीक है, ऑप्शन सी है काव्यांश का संदेश। नेक्स्ट है कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं, तो यहाँ पे कवि बोलता है कांटे और जो कलियां हैं वो निर्माण और पतन दोनों का प्रतीक है। कांटे और कलियां पतन का प्रतीक कौन है, और ठीक है, और निर्माण का प्रतीक कौन है, तो कांटे भी और कलियां दोनों को निर्माण और प्रतीक का। देखो जो कलियां हैं वो निर्माण है, उनके बाद ही फूल आएगा, पर जो फूल कली है उसे फूल आएगा, फूल के बाद फ्रूट आएगा, तो ये निर्माण की ओर अग्रसर है। ऐसे ही कांटे जब आते हैं तो आदमी के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, तो कांटे और कलियां किसका प्रतीक है, निर्माण और पतन का। जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सॉरी, जो नेक्स्ट है हमारा बच्चों वो है, नेक्स्ट में कवि ने कहा कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो कवि है उसने यहाँ पे क्या बोला है, कथन है मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है, मानव मात्र का जीवन यानी जो मानव है उसके जीवन में हमेशा क्या रहेगा, संघर्ष रहेगा, कंपटीशन रहेगा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। जब बचपन होगा तब उसे प्ले स्कूल जाना होगा, बड़ा होगा तो स्कूल जाना होगा, और बड़ा हो जाएगा तो कॉलेज, और कॉलेज के बाद अच्छी जॉब, तो हमेशा उसके लिए एक जीवन में संघर्ष बना रहेगा, चुनौतियां बनी रहेंगी। कारण मानव मात्र को अपने जीवन पर सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, और जो मानव है उसके सामने कोई भी परेशानी आ रही है, अच्छी है या कोई बहुत खुशी की बात है या दुख की बात है, दोनों ही चीजों में वो निरंतर क्या है, सेम डटकर खड़ा रहे। खुशियां हैं तो उन्हें भी अच्छे हिसाब से अच्छे तरीके से अडॉप्ट करे, और अगर कोई कष्ट है तो उसे भी अच्छे तरीके से डील करे। तो यहां पर जो इस कथन फिफ्थ का जो आंसर बनता है वो बनता है सी, कथन सही है, कारण सही है और कथन की सही व्याख्या है, क्योंकि मानव मात्र जीवन का संघर्षपूर्ण है, बिल्कुल सत्य है, मानव मात्र को अपने जीवन में सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तो इसके कथन भी सही है, व्याख्या भी सही है। बात समझ आ गई बेटा। इसके बाद देखो जो आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लियर है, ठीक है। अब ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है सेट वन हिंदी का, इसके आगे के जो सॉल्यूशन है आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, चैनल पे बने रहें, और बाकी अपनी साइंस और इंग्लिश की तैयारी के लिए और मैथ्स की तैयारी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों।